ऑल राइट गाइस, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि आप अपने यूट्यूब वीडियो की बैकग्राउंड में, इंट्रो में एंड लास्ट स्क्रीन में कौन सा म्यूज़िक यूज़ करते हो। एंड इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि अगर आप यूट्यूब पर किसी की भी वीडियो वॉच कर रहे हो एंड उस वीडियो की बैकग्राउंड में कोई भी म्यूज़िक चल रहा है एंड आपको वो म्यूज़िक चाहिए तो आप कैसे वो फाउंड कर सकते हो, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैं अपनी YouTube वीडियो की इंट्रो में कौन सा साउंड यूज़ करता हूं। तो उसके लिए हम चले जाते हैं YouTube पर, लाइब्रेरी पर क्लिक करके मैं चला जाता हूं हिस्ट्री में। तो यहां पे मैंने पहले से ही ये वाला म्यूज़िक प्ले करके रखा हुआ है आपके लिए। तो ये वाला वो म्यूज़िक है जो मैं अपनी वीडियो की इंट्रो में एंड लास्ट स्क्रीन में यूज़ करता हूँ, फिंग बीट्स करके ये म्यूज़िक है। नो कॉपीराइट आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है। तो ये वाला म्यूज़िक है जो मैं अपनी वीडियो की इंट्रो में एंड लास्ट स्क्रीन में यूज़ करता हूँ। तो मैं ये भी बता देता हूँ कि मैं किस सेकंड पे इंट्रो में यूज़ करता हूँ एंड कौन से सेकंड पे जाके लास्ट स्क्रीन में ये म्यूज़िक यूज़ करता हूँ। तो उसके लिए मैं चला जाता हूँ 7 सेकंड पर, ऑलमोस्ट 7-8 सेकंड पर जो मेरी वीडियो की इंट्रो होती है वहाँ पर ये म्यूज़िक प्ले होता है। सात आठ सेकंड से लेके 14-15 सेकंड तक जो मेरी इंट्रो में ये साउंड यूज़ होता है। एंड इसके अलावा मैं 1 मिनट 8 सेकंड पर चला जाता हूँ, तो यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा एंड स्क्रीन का म्यूज़िक। तो अभी हम बात करते हैं कि मैं अपनी YouTube वीडियो की बैकग्राउंड में कौन सा म्यूज़िक यूज़ करता हूँ, तो वो है रॉक पॉड। तो ये वाला साउंड है जो मैं अपनी वीडियो की बैकग्राउंड में यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों, अगर हो सके तो मैं इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके इस म्यूज़िक को आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर डाउनलोड करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप ये म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हो यूट्यूब से। तो अगर आप ये साउंड को यूज़ करते हो अपनी यूट्यूब वीडियो की बैकग्राउंड में, तो आप चाहते हो कि इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो आप अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में म्यूज़िक बाय लिखकर इन दोनों साउंड का नेम मेंशन कर सकते हो, क्रेडिट दे सकते हो इसके ओनर को। तो उसके बाद काफ़ी हद तक ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि इन फ्यूचर आपको कभी भी कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। तो यही दो साउंड ट्रैक थे जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी वीडियो की बैकग्राउंड में, इंट्रो में एंड एंड स्क्रीन में। एंड अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कमेंट आया हुआ है कि फाइनली आई गॉट दिस म्यूज़िक आफ्टर सर्चिंग 1000 ऑफ डिफरेंट सॉन्ग। तो आप काफ़ी लकी हो कि आप मेरी वीडियो वॉच करते हो, तो आपको ये म्यूज़िक मिल जाएगा। एंड इन केस आपको म्यूज़िक ये वाला नहीं मिलता, तो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप फाउंड कर सकते हो कोई भी म्यूज़िक। तो अभी हम बात कर लेते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट की। तो अगर आप मेरे अलावा किसी और की वीडियो वॉच कर रहे हो एंड उस वीडियो के बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक चल रहा है बट आपको नहीं मालूम कि वो किस आर्टिस्ट का है, किस सिंगर का है, एंड इवन आप किसी की मैरिज पे गए हो, बर्थडे पार्टी पे गए हो, वहाँ पे कोई साउंड चल रहा है बट आपको नहीं मालूम कौन सा साउंड है, उसका नेम क्या है, आर्टिस्ट का नेम क्या है, सिंगर का नेम क्या है, आपको नहीं मालूम बट फिर भी आप वो म्यूज़िक को डाउनलोड कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, शज़ैम करके उसका नाम है। तो जैसे ही हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है हमें। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक म्यूज़िक प्ले कर दिया है मेरे दूसरे स्मार्टफोन में, बट मुझे नहीं मालूम ये किस आर्टिस्ट का है, कौन सा म्यूज़िक है, किस सिंगर का है, क्या नेम है इसका, कुछ नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम। तो हम यही कोशिश करेंगे पता लगाने की कि ये कौन सा साउंड ट्रैक चल रहा है। तो उसके लिए हम शज़ैम जो एप्लीकेशन है उसके ये वाले बटन को प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हो 2-3 सेकंड में ही हमें उस सॉन्ग का नेम पता चल चुका है। तो जैसे ही मैं अपने दूसरे स्मार्टफोन में देखता हूँ फियरलेस PTE सेकंड, यहाँ पे जो म्यूज़िक है वो सेम टू सेम इसने डिटेक्ट कर लिया है। इस एप्लीकेशन की हेल्प से हमने पहचान लिया है कि इस म्यूज़िक का नेम क्या है, कौन से सिंगर का है। तो यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं हम, तो
तो आपको और ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी कौन सी एल्बम है, कब रिलीज़ हुई थी, तो लोकेशन वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। एंड इसके अलावा अगर आप लाइब्रेरी पे क्लिक कर देते हो तो आपको यहाँ पे सारे वो ट्रैक देखने के लिए मिल जाएंगे जो आपने इस एप्लीकेशन की हेल्प से डिटेक्ट किए होंगे, पहचाने होंगे। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे चले जाएंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप करके एक हमें ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इसे हम टर्न ऑन कर देते हैं, यस कर देते हैं। तो इस सेटिंग को टर्न ऑन करने का क्या बेनिफिट होगा आपको, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि आप यूट्यूब पर चाहे इंस्टाग्राम पर रील चेक कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कोई साउंड देखने के लिए मिला, सुनने के लिए मिला, बट आपको नहीं मालूम कि वो साउंड का नेम क्या है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपने मोबाइल का जो नोटिफिकेशन पैनल होता है उसे ड्रैग करके नीचे करोगे, तो यहाँ पे आप टैप टू शज़ैम कर दोगे, म्यूज़िक प्ले कर देना, तो आप देख सकते हैं नीचे आपको छोटा सा पॉपअप नज़र आएगा, तो इसने सर्च कर लिया है कि कौन सा म्यूज़िक चल रहा है मेरे मोबाइल फ़ोन पे। तो ऐसे करके भी आप जो म्यूज़िक को डिटेक्ट कर सकते हो। तो जब आपको म्यूज़िक मिल जाएगा तो इस पर आप क्लिक कर देना, तो यहाँ पे आपको सॉन्ग का नेम पूरी डिटेल मिल जाएगी। एंड इसके अलावा दोस्तों इस सॉन्ग का जो वीडियो है वो मिल जाएगा, आर्टिस्ट एंड काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपको इस एप्लीकेशन की हेल्प से मिल जाएंगे। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप कि इस वीडियो में मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिए होंगे, बट स्टिल अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके सवाल का जवाब मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो या पुराने हो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस।